अच्छा जी, अब ये है एक्सरसाइज 3.3। तो इसके जो है थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स एन आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स डीसेलरेशन। अब यहाँ पे देखें बहुत सी चीज़ें से वो से वर्डिंग से पता चल जाएंगी आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो है उन्होंने आपको इनिशियल वेलोसिटी बताई है कि गाड़ी की जो शुरुआती वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर्स एन आवर थी, जो कि हमने यहाँ लिखी है। अच्छा, अगेन किलोमीटर्स एन आवर जो है, ये किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने इस 36 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड किया 3600 से, क्योंकि एक घंटे के अंदर या एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड आया आंसर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी विल टेक इट एज 10 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, दूसरी चीज़ ज़रा यहाँ देखें आप, फाइनल वेलोसिटी उन्होंने एज सच बताई नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हिंट दी है कि इट्स ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये है कि उस बॉडी में मोशन नहीं है, और जब मोशन नहीं है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस ब्रेक लगाने के बाद से, यानी 10 मीटर्स पर सेकंड से 0 मीटर्स पर सेकंड तक जाने में इस गाड़ी को 5 सेकंड्स लगे। हमें उसकी डीसेलरेशन कैलकुलेट करनी है। याद रखें, डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल्स टू Vf माइनस Vi अपॉन टी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसकी। एक्सेलरेशन ए एज इट इज आ जाएगा, Vf हमारे पास 0 है, माइनस Vi हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड है, 10 आ जाएगा, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, ठीक है। A इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 5, तो 5 वन जा एंड 5 टू जा 10, तो हमारे पास जो डिसेलरेशन है वो आ जाएगी माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन है उसका जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। इस मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एम एस माइनस 2, इस तरीके से, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हमारा आंसर है, डिसेलरेशन हमारे पास आई ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3.6 तक बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि 3.4 भी इसी तरह होगा, 3.5 भी इसी तरीके से होगा, और 3.6 भी इसी तरीके से होगा। तो 3.5 छोड़ दीजिएगा, 3.4 और 3.6 खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 3.5 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोग कौन से इसके बाद दो अटेम्प्ट करेंगे खुद से, वो हैं 3.4 एंड 3.6, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 3.5 को छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह।